भारतीयों का सपना पीएम मोदी ने किया साकार। मुस्लिम देश में आज होगा दोस्ती का शंखनाद। आज ही नहीं अब सुनेगा यूएई ओम की गूंज को। प्रधानमंत्री मोदी के 3 देशों के दौरे की कड़ी का आज आखिरी दिन है। फिलिस्तीन और यूएई के दौरे के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कल ओमान में भारतीयों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने मस्कट के मंच से दुनिया को न्यू इंडिया की तस्वीर दिखाई। पीएम मोदी ने बताया कि हिंदुस्तान कैसे बदल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज स्वदेश लौटने से पहले ओमान में 300 साल पुराने शिव मंदिर के दर्शन करने जाएंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी सुल्तान काबूस ग्रैंड मस्जिद भी जाएंगे। खबर की विश्वसनीयता का पैमाना भी आपको बता देते हैं। रिपोर्टर्स की मौजूदगी है, खबर की पुष्टि है, गवाहों और एक्सपर्ट्स के बयान भी है और तकनीकी विश्वसनीयता पर भी आप पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं चाय वाला हूं इसलिए मुझे मालूम है चाय भी नहीं आती 90 पैसे में। जैसे दूध में शक्कर मिले उसमें मिल जाते हैं ना, और दूध मीठा कर भी देते हैं। हम वो लोग हैं जिन्हें संकटों से निकलना आता है। काले धन का लेन देन करने वाले लोग, बड़ी बड़ी मछलियां इस समय सरकार की जांच के दायरे में है। एक राजदूत होता है लेकिन देश की तरफ से यहां पर लाखों राष्ट्रदूत ओमान में बैठे हुए हैं। ओमान में आज प्रधानमंत्री मोदी के दौरे का दूसरा और आखिरी दिन है, लेकिन कल जब सुल्तान कबूस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 34,000 भारतीयों के साथ अपने संवाद में पीएम मोदी ने हिंदुस्तान की बदलती हुई तस्वीर दिखाई तो स्टेडियम में चारों तरफ मोदी मोदी की ही गूंज सुनाई दी। कि गरीबों को सिर्फ 90 पैसे प्रतिदिन, और दूसरी एक योजना है 1 रुपया महीना के प्रीमियम पर जीवन और सुरक्षा बीमा दिया जा रहा है। मैं चाय वाला हूं इसलिए मुझे मालूम है चाय भी नहीं आती 90 पैसे में। पीएम मोदी ने ओमान और भारत के बीच हजारों साल पुराने रिश्तों का जिक्र किया। मोदी ने खाड़ी देशों के साथ संबंधों को और मजबूत करने की वकालत की। पीएम मोदी ने ओमान के मंच से फिर इस बात का भरोसा दिलाया कि जिस उम्मीदों के साथ उनकी सरकार को चुना गया है वो उस भरोसे को कभी टूटने नहीं देंगे। आज 4 साल होने आए, कोई ये नहीं कहता है मोदी कितना ले गया। मेरे देश के प्यारे मेरे भाइयों बहनों, आज मैं सर झुका करके नम्रता पूर्वक बड़े संतोष के साथ कहता हूं कि देश ने मुझे जिस आशा और अपेक्षाओं से बिठाया है उसको मैं कभी खरोच नहीं आने दूंगा। पीएम मोदी को सुनने के लिए हजारों लोग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पहुंचे थे। ओमान के सबसे बड़े अखबार द टाइम्स ऑफ ओमान ने यहां तक कहा कि इससे पहले किसी विदेशी नेता के हमारे देश के दौरे के वक्त इतना जुनून नहीं देखा गया।
आज हर भारतीय न्यू इंडिया के संकल्प को पूरा करने के लिए जी जान से जुटा हुआ है, दिन रात काम कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो देश को बदलने का काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने अपनी सरकार की साफ नीयत और स्पष्ट नीति का भी उदाहरण दिया। मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, वहां एक सरदार सरोवर डैम नर्मदा योजना, पंडित नेहरू जी ने उसका शिलान्यास किया था और अभी पिछले साल वो काम पूरा हुआ। कभी कभी तो ऐसा नजर आता था बांध बन जाता था, लेकिन नहरों का अता पता नहीं था। पुल बन जाते थे लेकिन कनेक्टिंग सड़कें नहीं बन पाती थी। इस स्टाइल ऑफ मिस गवर्नेंस के साथ देश 21वीं सदी में आगे नहीं बढ़ सकता। पीएम मोदी ने यह भी बताया कि उनकी सरकार काले धन और भ्रष्टाचार पर वार कर रही है और ये सिलसिला रुकेगा नहीं। काले धन का लेन देन करने वाले लोग, बड़ी बड़ी मछलियां इस समय सरकार की जांच के दायरे में है। ओमान पहुंचने से पहले पीएम मोदी ने अबू धाबी में नोटबंदी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि नोटबंदी से वही परेशान हैं जिनकी रातों की नींद उड़ गई। अगर नोटबंदी करता हूं तो देश का गरीब तबका उसको तुरंत समझ आता है, सही दिशा का मजबूत कदम है। लेकिन जिसकी रात की नींद चली गई हो, वो 2 साल के बाद भी अभी भी रो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल अबू धाबी में बनने वाले मंदिर का भूमि पूजन भी किया। ये अबू धाबी में पहला हिंदू मंदिर होगा जिसके लिए 2015 में यूएई की सरकार के साथ सहमति बनी थी। दुबई से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अबू धाबी में स्वामी नारायण मंदिर के भूमि पूजन के कार्यक्रम में पीएम मोदी शामिल हुए। वहीं आज ओमान में पीएम मोदी 300 साल पुराने शिव मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएंगे। ये मंदिर अपने आप में एक अनोखा तो होगा ही होगा, लेकिन विश्व समुदाय को वसुधैव कुटुंबकम जिस मंत्र को हम जिए हैं, उस मंत्र का अनुभव कराने का भी अवसर प्राप्त होगा और इसके कारण भारत की एक अपनी पहचान भी बनाने का एक माध्यम बनेगा। भारतीय समय के मुताबिक आज पीएम मोदी ओमान के प्राचीन शिव मंदिर पहुंचेंगे। खाड़ी क्षेत्र में यह सबसे लोकप्रिय मंदिर माना जाता है, जबकि दोपहर 1:15 पर पीएम मोदी सुल्तान काबूस ग्रैंड मस्जिद जाएंगे। जिस शिव मंदिर में पीएम मोदी को आज पहुंचना है, वहां उनका बेसब्री से इंतजार हो रहा है, क्योंकि आज से पहले कोई भारतीय प्रधानमंत्री इस शिव मंदिर में नहीं पहुंचा। मोदी जी आने वाले हैं, कैसा फील कर रहे हैं? मोदी जी आने वाले हैं तो बहुत हमको तो खुशी होती है कि फर्स्ट टाइम जो कोई पीएम आ रहा है तो पहली बार आवे से यहाँ, अटला वर्षों में वड़ाप्रधान कोई आवतु है तो फर्स्ट टाइम से यहाँ प्रधानमंत्री आएंगे तो बहुत खुशी होगी हमें, और सब आदमी लोग को मिलेंगे हमें बहुत और खुशी होती है। वो शिवा टेम्पल में दर्शन करने आते हैं, वही अच्छा हमारे लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। हम लोग उनसे विशेष रूप से मिलने के लिए इच्छुक हैं और इंतजार कर रहे हैं कि वो कब आएँ और कब हम उनके कॉन्फ्रेंस अटेंड करें। 10 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री आ रहा है, ये एक बहुत बड़े गर्व की बात है। हिंदुस्तान में मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने देश विदेश में हिंदुस्तान की न केवल गरिमा बढ़ाई है बल्कि अपना कद भी काफ़ी ऊँचा साबित किया है। आज वो एक इंटरनेशनल लीडर के रूप में स्थापित हो चुके हैं।
यूएई सरकार ने अबू धाबी में अल वाकबा नाम की इस जगह पर मंदिर बनाने के लिए 55,000 वर्ग मीटर की जमीन दी है। हाईवे से सटा अल वाकबा अबू धाबी से तकरीबन 30 मिनट की दूरी पर है। मंदिर में कृष्ण, शिव और भगवान अयप्पा की मूर्तियां होंगी। अयप्पा को विष्णु का अवतार बताया जाता है और दक्षिण भारत खासकर केरल में इनकी पूजा होती है। एक 50,000 स्क्वायर मीटर लैंड दिया गया है प्राइम लोकेलिटी में अल वहताब करके, और ये अबू धाबी और दुबई से इक्विडिस्टेंट है, और यहाँ पर एक शानदार मंदिर होगा बाय 2020, और इस मंदिर को बनाया जाएगा राजस्थान की पिंक स्टोन से, वही स्टोन जिससे अक्षरधाम टेंपल बना है। 2015 में यूएई की सरकार से नरेंद्र मोदी ने जो भरोसा हासिल किया था, 11 फरवरी उस भरोसे के खरा उतरने की तारीख बनकर सामने आई। दुबई में शिव और कृष्ण के दो मंदिर और एक गुरुद्वारा पहले से हैं। अबू धाबी में चर्च जरूर है लेकिन कोई मंदिर नहीं है। ये मंदिर 2020 तक बनकर पूरा हो जाएगा। यूएई के बाद ओमान में भी पीएम मोदी का जिस गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ है और उन्हें सुनने के लिए लोगों में जिस तरह की बेसब्री दिखाई दी है, उससे ये तय है कि खाड़ी देशों के साथ भारत के रिश्ते अब चट्टान की तरह मजबूत हो जाएंगे। निश्चिता वीरेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, मस्कट, ओमान। वंदे 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 वंदे।